हेलो गाइस, आज यहाँ गाइस काफी रेनी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। से हेलो गाइस, यस ओके। एनीवेज हमारे पास जो है ना, आज बारिश हो रही है और आई होप के मनीहा को स्कूल जाने के टाइम तक ये थोड़ी सी मतलब हल्की रहे, ड्रिजलिंग वाला सीन हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो बारिश हो रही थी। खैर एनीवेज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द डे। मनीहा जो है वो अपनी कुरान पाक की क्लास ले रही है। मैंने अभी अंजिश को चेंज करवाया है, आज काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई है तो इसको जो है ना मैंने सॉक्स वगैरह पहना दिए। मैं और अंजिश जो है ना अभी नीचे आ गए हैं और अब हम जल्दी जल्दी बनाएंगे नाश्ता, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लेट। और बाहर जो है ना सही बारिश वाले सीन्स हैं और मेरे फूल जो हैं ये अभी तक वैसे ही फ्रेश हैं, और ये वाले जो है ना ये क्लोज थे और ये भी खुल गए। से बिस्मिल्लाह, आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। हेलो गाइस, आज यहाँ गाइस काफी रेनी हो रही है और हम लोग स्कूटी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि स्कूटी के साथ अम्ब्रेला के साथ दोनों चीजों के साथ ट्रैवल करना काफी मुश्किल होता है। ट्रैवल करना, यस ओके। सो मेरा मतलब मुश्किल हो जाता है। हाँ, बच्चों को तो आता नहीं है। और बात ये है कि अभी हम लोग अम्ब्रेला लेके जाएंगे। मामा ने और मैंने फैसला किया है कि अगर आते हुए भी बारिश ना हुई यहाँ घर पे, आते हुए भी बारिश ना हुई अगर, तो फिर हम लोग स्कूटी चलाएंगे। ठीक है। और सो हैप्पी Wednesday? Yes. And is winter और छोटे छोटे से मड़ी पत्तल बन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बारिश हो रही है, बट ये जो है वो हवा के साथ नहीं है तो वी विल मैनेज अम्ब्रेलास के साथ। सो यस, लेट्स सी कि क्या होता है, हम गीले ही ना हो जाए। Are you okay? Mama, I think I'm a leafy leaf for you. Oh, nahi, Mama. It's okay. Chalo, let's go. Umbrella seedhi kare. Seedhi umbrella. ये कुछ बारिश के हालात हैं इस टाइम, और मैं अभी मनीहा को स्कूल छोड़ के आई हूँ, और जिन लोगों को वहाँ से बैठ के देख के बाहर की लाइफ बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही होती है, ये उनके लिए है कि छोटे छोटे बच्चे इस ठंड में इतनी तेज़ बारिश में बाहर ले कर निकलना कोई आसान बात नहीं होती। और अभी हमारे पास टेम्परेचर आगे माइनस में भी चला जाएगा और तब भी ऐसा ही होगा कि हमें इसी बारिश में, इसी सर्दी में स्कूल छोड़ने जाना होगा, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है हमारे पास। मनीहा को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और अंजिश जो है ना वो अम्ब्रेला पकड़ के बैठी हुई है। फाइनली वी हैव सम हाउ मैनेज्ड और हम लोग जो है ना घर वापस आ गए हैं।
घर के जो है ना अभी कुछ ये सीन्स हैं, सो आई हैव टू क्लीन द किचन और उसके बाद मैं यहाँ से सफाई करूँगी और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं और अंतरिक्ष दोनों जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे। एनीवेज़ कल मुझे किसी ने कहा हुआ था कि व्लॉग में जो है वो बहुत ज़्यादा खामोशी क्यों है, सब ओके तो है। सो मैं जो है ना दो तीन दिनों से बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रही, आई जस्ट डू माई वर्क और उसके ऊपर जो है वो म्यूज़िक डाल देती हूँ। इट्स ऑब्वियस नज़र आ रहा होता है सबको कि मैं किचन साफ़ कर रही हूँ या मैं रूम्स साफ़ कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, तो मुझे ना रोज़ अब पता नहीं क्यों बोलना इतना अच्छा नहीं लगता। खैर एनीवेज आज मैं फिर जो है ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा मतलब ट्राई करूँगी कि हम लोग जैसे पहले बनाते होते थे मैं दोबारा से ना वैसे ही बनाऊँ। जैसे सारी सफाई सारा कुछ हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, लेट्स सी के ऊपर के क्या हालात हैं। और मैं भी जो है वो आके अगर आ सके तो मैं आके से कहूँगी मैं नेहा को पिक करके घर छोड़ दें, क्योंकि ना बारिश हमारे पास अभी तक हो रही है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये कुछ हमारे रूम के हालात हैं अभी के, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेंज द बेड स्प्रेड, मुझे नहीं याद कि कितने दिन हो गए हैं, सो अभी हम इसको भी चेंज करेंगे और मैं सारा साफ करके देन आई विल कैच यू गाइस। रूम हम लोग का सारा साफ हो गया, अंजश इसी कॉर्नर में बैठ के खेलती रही है और यहाँ से जो है ना फिर मैं वैक्यूम क्लीनर नहीं चला सकी। मामा जी पापा ओके, और अभी मेरे पास जो है ना 20 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ, इसमें मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ूंगी, अगर आके मनीहा को ले आए तो ठीक है वरना फिर हम लोग निकलेंगे मनीहा को लेने के लिए। और यार मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि लास्ट 2 डेज से जैसे मैंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं लाइक काम करते हुए बना के और ऊपर फिर म्यूज़िक ऐड कर देना, वैसे ज़्यादा सही है या जैसे मैं डेली साथ साथ बोल भी रही होती हूँ वो वाला ज़्यादा सही है? ऑफ कोर्स मैं बता तो देती हूँ कि मैंने ये किया है मैंने ये किया है, बट साथ साथ बताना और सारा कुछ करके बताना इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के हम लोग जो है ना अपने व्लॉग्स किस तरह से बनाएं। आकिब जो है वो नहीं आ सके मैं यहाँ को लेने, ही वाज स्टक इन द हॉस्पिटल, तो हम लोग खुद ही जा रहे हैं, पर अभी शुक्र है कि बारिश ना काफ़ी ज़्यादा कम है, लाइक बहुत हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, तो मैंने तो अम्ब्रेला नहीं ली हुई, मैंने अपनी जो है ना रख ली है और मैंने कहा कि स्कूटी भी हमने रख ली है कि इन केस अगर जो है वो बारिश ना हुई तो फिर मैं यहाँ वॉक करके नहीं आएगी, फिर वो जो है ना लड़ाई शुरू कर देती है कि मैंने भी स्ट्रॉलर में बैठना है। सो अल्लाह करे कि बस बारिश इससे ज़्यादा तेज़ ना हो। Give me a bag. वॉशरूम के टब में चला लो। जल्दी जल्दी से वॉशरूम में लेके जाओ। चलो जल्दी से करें, आप अपना अपनी स्कूटी लेके आए, स्कूटी लेके आए ना, तंग करो उसको, जान छोड़ दे अम्ब्रेला।
पापा आज आप क्यों नहीं अंजुश के साथ लंच शेयर करी? वो देखो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फोल्ड कर दूंगी। देखो कितनी कितनी सैड होके बैठी हुई है आपकी बहनी। मैं रोल कर देती हूँ दोबारा से, थोड़ी सी इसके साथ शेयर कर दो। देखो कितनी थोड़ा सा दे दो अंजुश, आपा को सॉरी कर दो। सॉरी कर दो अंजुश, सॉरी कर दो आपा को। आपा प्लीज दे दो। अच्छा वन सैंडविच दे दो प्लीज। प्लीज अच्छा हैप्पी कर दो आपा को अंदर। थैंक यू आपा लंच देने के लिए अंशुष को। ये तो सैड हो जाती है, तो आपका वेट कर रही होती है आप कब घर आओगी और लंच होगा। मैं है ना छोटी है ना, इसको पता नहीं है। अभी ये भी आपके साथ स्कूल जाया करेगी तो फिर इसका भी अपना लंच होगा। देखो कैसे बैठ के खा रही है, छोटा सा बच्चा है हमारा। जब इसके पास लंच होगा तो मेरा नहीं खाएगी। हाँ ना फिर ये आपको नहीं खाएगी, फिर आप दोनों फिनिश करके आया करोगे स्कूल, मैं चेक किया करूँगी। जी यस यस लंच यस। और अंजुश आप स्कूल जाओगे? ओके स्वीट्स क्यों नहीं मिलेंगे अंजुश को? इसके टीथ में कैविटी हो गई है ना, थैंक यू। बच्चे जो हैं वो सो के उठ गए हैं, और जितनी देर बच्चे सोए हुए थे मीनवाइल मैंने जो है वो वॉशरूम साफ़ किए हैं। अब मैं वॉशरूम साफ़ करते हुए नहीं दिखा सकती थी क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन हो जाता है। खैर एनीवेज़ मैंने जो है वो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, और आकिब भी जो है वो आ गए हैं। अब मैं भी जाऊँगी नीचे और इन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए दूँगी। सो यस दीज आर द सीन्स अप टिल नाउ। इग्नोर द नॉइज इन द बैकग्राउंड। बच्चों ने जो है ना आज मेरे सही शोर मचाया हुआ है, इन्होंने जो है वो तंग करने का ठेका उठा के रखा हुआ सारा दिन। मामा ले ले प्लीज। नो अंजुश ने क्या खाया? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाया? और पिज़्ज़ा। और क्या खाया? पिज़्ज़ा। एंड पिज़्ज़ा। आइसक्रीम कौन सी खाई? रेनबो आइसक्रीम। रेनबो आइसक्रीम विच आइसक्रीम? रेनबो आइसक्रीम फिनिश हो गई। रेनबो आइसक्रीम नो मोर। डैडी वो आइसक्रीम अन्ना। रेनबो आइसक्रीम इज फिनिश। चाओ। चलो बस नो।
आजकल जो है ना मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, और बाकी सब लोगों की स्टोरीज वगैरह देख के मुझे फिर थोड़ा सा होता है कि यार चलो इट्स ओके, सब कहीं गिर रहे हैं तो खैर है। और अगर आप लोगों को कोई रेमेडीज़ वगैरह पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं जो है ना इस दफ़ा पाकिस्तान से मनीहा के जितने छोटे छोटे बाल कटवा के आऊँगी, जिनको संभालना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। झगड़ा बुरी चीज़ है, झगड़ा बुरी चीज़ होती है ना। आपको आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए ना दोनों को, चाहिए। यस, पर ये बात आपको समझ नहीं आती। कितनी अच्छी आप बिल्डिंग बना रही हो, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी देर तक आपकी और अंतरिक्ष की लड़ाई हो जाएगी। मनीहा, समवन वाज सेइंग कि आज मुझे कि मनीहा पहले व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा बातें करती होती थी, अब मनीहा बातें क्यों नहीं करती? बात ये है कि मुझे एक टैब भी नहीं आता। मामा, आप क्यों नहीं बातें करती अब? वो मैं अब एक स्टेप नहीं आता ना। स्टेप कौन सा? वो वीडियो का। कौन सा? जो मुझे नहीं आता वो मैं नहीं बोलती। नहीं, नॉर्मल बातें नहीं करती ना आप, जैसे पहले बहुत ज़्यादा आप बोलती थी, अब क्यों नहीं बोलती आप? अब बस मेरा मूड नहीं चलता। मूड नहीं चलता? मुझे स्कूल पसंद आ गया। अच्छा, हाँ ओके, इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बनाती। हाँ, सो आपने सोना कब है? मामा, नहीं अभी नहीं। यस, मुझे बिल्डिंग बनानी है। अंदेश, अभी देखना लड़ाई हो जाएगी। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर डे। और आज का दिन जो था ना वो मेजर पोर्शन डे का जो है वो क्लीनिंग में गुजर गया। और कुछ डेज ऐसे होते हैं जिस दिन आपने किचन को टाइम देना होता है, लाइक किचन के काम ज्यादा होते हैं, कुकिंग वगैरह करनी होती है। और फिर कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिस दिन आपने क्लीनिंग करनी होती है, मतलब अल्टरनेट डेज़ पे काम चल रहा होता है, एक दिन मैं कुकिंग करती हूँ और दूसरे दिन जो है ना ज़्यादा क्लीनिंग वाले काम होते हैं। सो येस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर डे। हम अपना आज का दिन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।